सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और मैं हूं डॉक्टर संतोष मडलोई। ये जो डॉग है वो लेब्राडोर क्रॉस फीमेल डॉग है और इसे किसी बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण इस डॉग की टीबिया बोन में कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया। अब इस डॉग की टीबिया बोन में जो कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ है उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन यानी पिनिंग करनी होगी, ताकि इस डॉग के पैर को इंटरमेडुलरी पिनिंग के द्वारा यहाँ पे ठीक किया जा सके। सर्जिकल साइट को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब जो फ्रैक्चर साइट है वहाँ पर इंसिजन दिया जा रहा है। इंसिजन देने के बाद आप देख सकते हैं जो टीबिया बोन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी, वहाँ पर कंप्लीट फ्रैक्चर हो चुका। अब इस कंप्लीट फ्रैक्चर को यहाँ पर ठीक करने के लिए इंट्रामेडुलरी पिन को आर्थोपेडिक ड्रिल मशीन में अच्छे से लॉक करने के बाद जो टीबिया बोन है जहाँ पर कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ वहाँ से उसे इंट्रामेडुलरी पिन को मेडुलरी कैविटी से धीरे धीरे उसे इंसर्ट करते हुए जो टीबिया बोन उसके टिबियल क्रेस्ट से निकाला जाएगा। यहाँ पे ड्रिल की मदद से पिन को धीरे धीरे इंसर्ट करते हुए इसे बोन के प्रोक्सिमल एंड में वहाँ पे निकाला गया। अब एक बार फिर से पिन को अच्छे से लॉक करने के बाद इंट्रामेडुलरी पिन को मेडुलरी कैविटी से होते हुए फ्रैक्चर साइट से होते हुए इसे डिस्टल एंड तक हमें धीरे धीरे इंसर्ट करना होगा। अब यहाँ पे इंट्रामेडुलरी पिन को मेडुलरी कैविटी में अच्छे से इंसर्ट किया जा चुका है। अब जो सर्जिकल ऊन है उसे क्लोज करने के लिए यहाँ पर सिंपल कंटिन्यूस सूचर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद जो स्किन इंसिजन है उसे भी क्लोज करने के लिए यहाँ पर सिंपल इंटरप्टर सूचर यहाँ पे लगाने होंगे। अब डॉग के पैर को सीधा रखने के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के लिए एल्यूमिनियम राड की मदद से मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिन यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके आसपास हमें कॉटन और कॉटन बैंडेज को लगाना होगा, ताकि किसी तरह की इंजुरी डॉग के पैर को ना हो और थॉमस स्प्लिन स्लिप ना हो, उसके लिए यहाँ पे हमें पेपर टेप भी आसपास हमें लगाना होगा। ऐसा हमें मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिन कम से कम हमें एक माह तक इस डॉग के पैर में हमें लगा के रखना होगा। एक महीने के बाद थॉमस स्प्लिन निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉग पूरी तरह से ठीक हो चुका, उसे चलने फिरने में अब किसी भी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है।